ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रातः 9 बजे राजभवन में ध्वजारोहण किया और साथ ही प्रदेश व देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही राजभवन में पुलिस बलों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड करते हुए महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सलामी दी। इसके बाद राज्यपाल ने प्रातः 10:30 बजे परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना, ITBP, पुलिस, PAC, होमगार्ड, PRD के जवानों ने मार्च पास्ट करते हुए राज्यपाल को सलामी दी। राज्य के लोक कलाकारों ने भी अपनी नृत्य कला का मनोहारी प्रदर्शन किया। राज्यपाल मौर्य द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्तव्य परायण पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। परेड ग्राउंड में देहरादून के विभिन्न विभागों द्वारा झांकी आयोजित की गई, तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सांस्कृतिक व लोक कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन जीत लिया। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया और 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्य हैं उसकी शपथ लेनी चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और किसानों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ, जो देश के विकास में अपना कंधे से कंधा मिला के योगदान दे रहे हैं। जय हिंद। सबसे पहले मैं देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और हमने आज अपने समस्त पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई है, उसकी रक्षा की शपथ दिलाई है और उनको यही कहा है कि पुलिसकर्मियों का की एक भूमिका है, हमारा कर्तव्य है संविधान की रक्षा और लोगों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा। यही मैंने संदेश अपने लोगों को दिया है और उसमें हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जानी चाहिए। कोई पुलिसकर्मी कोई चूक करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लोग हैं उनको पुलिस द्वारा मदद आर्थिक कैसे चुनौती आपके लिए कैसे कर पाए? चुनौती यही है कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो ऐसा है, उसी को, उसी के अधिकारों की रक्षा करना, उसी को न्याय दिलवाना, ये पुलिस का प्रमुख रोल है। तो उसी में हमने कहा है कि उसको आगे बढ़ करके इस भूमिका को निभाए पुलिस। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।